खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। आज बतारीख 6 फरवरी को टोली चौकी लेबर अड्डा पर AITUC के जिम्मेदारों ने मिलकर एक नई कमेटी की तशकील देते हुए नए ओहदों के तकरीरात अमल में लाए। सेंटरिंग लेबर्स और मजदूरों के मसाइल के हल के लिए ये नई कमेटी तशकील दी गई है, जिसमें M प्रवीण कुमार को जनरल सेक्रेटरी, के यादगिरी सेक्रेटरी, शेख शमशुद्दीन अहमद CPI हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर, सी श्रीनिवास मोहम्मद अहमद, शेख शाकिर शरीफ, शफीउल्लाह खान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शरीफ श्रीनिवास, एम ए वाजिद यलैया, शेख हमीद और वेंकन्ना और दिगर कई सारे लोगों को इनके ओहदों से नवाजा गया। इस मौके पर तमाम जिम्मेदारान ने हुकूमत से गुजारिश की है कि इन्हें हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम स्कीमात व सहूलियात फराहम की जाए। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख। मेरा नाम M प्रवीण कुमार, तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन। आज टोली चौकी में हम लोग AITUC मिलके यहाँ के जो मजदूरों को कुछ लोगों ने मुश्किल पहुंचा रहा है, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आज हम पूरे आज एकता होके यहाँ बैठे। यहाँ के जो लेबर को तकलीफ दे रहे, उन लोगों को हम AITUC की तरफ से सबक सिखाने के लिए सोच रहा है। आने वाले दिनों में हम लोकल MLA कारवान के कौशल, यहाँ के जो लेबर है MLA साहब ने अच्छा हम लोगों को सहाय दे रहा है। और इस मौके में AITUC के सिटी सेक्रेटरी यादगिरी और MD मोहिद्दीन शरीफ, शफील आरिफ आरिफ और जितने भी हमारे AITUC साथियाँ हैं, सबको किसी को भी यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, मजदूर लोगों को काम लेते हुए उन लोगों को बराबर पैसे नहीं दे रहा है। वैसा बोल के सब कॉन्ट्रैक्टर को हम नहीं बोल रहे, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं मजदूरों को सता के उन लोगों के काम को लेके पैसे देने पे बहुत मजबूर उन लोगों को मुश्किल पहुँचा रहे। किसी को लेके आते लेके आओ, चाहे कानून से आते कैसे आते, हम काम कर लिए जाओ बोल के मजदूरों को बोल रहे। अगर मजदूर एकता हो गए ना, जो कॉन्ट्रैक्टर जो तकलीफ दे रहा है उन लोगों को, तो आने वाले दिनों में AITUC एक निर्णय करेगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को तुम लोग काम नहीं करना है, क्योंकि ये लोग मजदूरों को पैसे देने वाले नहीं है। मजदूर भी सोचता है रोज रोटी के लिए, यहाँ पे बिहार और महाराष्ट्र और UP तरह तरह स्टेट से लोग यहाँ के पेट के लिए उन लोगों के बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ आके काम कर रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए बहुत सहायता कर रहा है। आने वाले दिनों में फ़रवरी 29, 2024 में यहाँ पे ये जो वर्कर ने मुश्किल उठारे उसके लिए हज़ारों लोग लेके एक कार्यक्रम भी AITUC करते हैं, क्योंकि AITUC वर्कर के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों के पेट के लिए है। उन लोगों ने पैसे कमा के पब्लिक को सताने के बाद में आने वाले दिनों में उन लोगों को काम नहीं करना, और AITUC आपको पूरे तरफ से साथ देते। 29 फरवरी को हम लोग हज़ारों लोगों से यही टोली चौकी अड्डे पे कार्यक्रम करके पूरे वर्कर को हम लोग कुछ भी तकलीफ हो हम AITUC साथ में बोलते हुए नमस्कार। और 29 फरवरी को 2024 में जो हम कार्यक्रम ले रहे हैं, उनके साथ हम लोकल MLA कारवान के MLA कौशल मोइनुद्दीन साहब को धन्यवाद बोलते हैं। हम भी उनके साथ में जो पब्लिक के लिए उन्होंने काम कर रहे, हमारे यूनियन के तरफ से
उनको शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाकिर शरीफ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूनियन की तरफ से बोलना ये है कि यहाँ पर कई ऐसे तंजीमें आ रहे हैं कि हम करते, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। सब आते फेक काम करके अपना चले जाते, अपने गर्म कर लेके चले जाते जेब वगैरह। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बचिए। और ये टोली चौकी लेबर अड्डे पे जो है AITUC जो हमेशा आपके लिए काम कर रही है, ये जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो हमेशा लेबर के साथ है, लेबर के साथ रहेंगी। उनके अच्छे बुरे को, उनको अगर साइड पे परेशानी हुआ, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए जो है हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे उन लोगों को, और उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इंसाफी हो रही सर, कुछ काम करें बस, तो पेमेंट वगैरह। हाँ, तो उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं ना। वहाँ पर क्या हो रहा है कि कभी लेबर का प्रॉब्लम होता, कभी पार्टी का प्रॉब्लम होता, कभी कोई गुत्तेदार का प्रॉब्लम होता। अब थोड़े लेबर ऐसे है जो गुत्तेदार पैसा नहीं दिया बोल के आते हैं। गुत्तेदार ये बोलता है कि मेरे को पार्टी पैसे नहीं दिया। जब हम पार्टी के लिए जाते हैं, पार्टी से बात करते हैं, तो पार्टी बोलता है कि हमको ये गुत्तेदार, ये लेबर हमको सताया। खैर, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मुआवजा दिला रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बार दिला चुके हैं। ऐसे कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि जैसा KCR की हुकूमत आई थी, गोल्डन तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, सब बातें थे वो। हम लोग ऐसा करने वाले नहीं है। जो भी है इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा करेंगे, लेबरों के लिए जो हो सकता हमारे से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हमारे हुकूमत से, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP साहब और एरिया के ACP सर्कल साहब, आप सबसे मेरी अपील है कि जो है यहाँ मजदूरों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही। हर बिल्डर गलत नहीं होता, हर बिल्डर जो है ख़राब नहीं होता। कुछ बिल्डर्स, कुछ कंट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो गरीब लेबर को यहाँ से लेके जा रहे हैं, महीना भर काम करा रहे हैं, 15 दिन काम करा रहे हैं, उसके बाद वो लोगों जो है जब उनका हिसाब होता है तो उनको हिसाब में गलत सलत करके उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, और उनको ये ढाक डाल रहे हैं। ये सिविल मैटर है। आओ पुलिस स्टेशन में बात कर लेंगे, आओ कोर्ट को नोटिस भेज दो, वकील को ला लो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सारे लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, पैसे वालों को, काम कराने वालों को, क्या लेबर को आप लोग ये बोल के लेके जाते हैं यहाँ से कि काम के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वकील को बुलाएंगे या पुलिस स्टेशन बुलाएंगे? तो ये अग्रीमेंट यहाँ से लेके जाते खुद करना चाहिए आप लोग। वहाँ जाने के बाद ये बातें करें तो सही नहीं है। कमिश्नर ऑफ पुलिस और हुकूमत से हम जो ये अपील करते हैं कि ऐसे मैटर के अंदर जो लेबर का पैसा नहीं दे रहे, लेके जाके सता रहे, उनको इमीडिएट पुलिस स्टेशन में इंसाफ दिलाएं और उनको इमीडिएट जो है उनका जो हक बनता जो भी है वो दिला दें। ये बड़ी मेहरबानी होगी, हुकूमत की तरफ से सहूलत होगी, और उम्मीद करते हैं कमिश्नर साहब, उनका सारा डिपार्टमेंट मजदूरों के साथ रहेगा। ये बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आज जो है AITUC की तरफ से टोली चौकी लेबर अड्डे के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें नए सदर और नए सेक्रेटरीज वगैरह कायम करे हैं, ख़ासतौर से सेंटरिंग डिपार्टमेंट के लिए, और लेबर के जो प्रॉब्लम्स है उनकी मुश्किल हल करने के लिए। यहाँ पर हम लेबर को ये बताना चाहे, ये बोल रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत को जो है आप सपोर्ट करो, हुकूमत आपको सपोर्ट करेंगी, और पुलिस वालों को ताउन करो बोल के भी हम ये समझाए हैं। इसीलिए कि कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम करके या लेबरों के बीच में आके ठहर जाएगा तो बेचारे जो लेबर है, इनोसेंट है, वो रोज़ मेहनत को जाने वाला है, लेकिन कोई आदमी गलत काम करके यहाँ ठहर जाएगा तो सारे लेबर परेशान हो जाते। उस वजह से हम लोग लेबरों को भी गुजारिश करें कि आप अपने जो है कार्ड्स बना लें, वेरिफिकेशन अपना दे लें, ताकि कल के दिन कोई गलत आदमी भी यहाँ आके आपके ने ठहरा तो कोई भी पुलिस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ तो कमेटी सपोर्ट करेंगी, और उनको लेबर को जो है अच्छा है बुरा है हमको मालूम रहा तो हम भी सपोर्ट कर सकते बोल के जो है हम ये बात बोल रहे हैं उनको, हम ये बात समझा रहे हैं उनको। तो इंशाल्लाह वो लोगों को समझ में आई, और हम भी हुकूमत से अपील करते हैं कि भाई जो लेबरों के साथ जो भी वायदा करे वो वायदा पूरा करते हुए उनके लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते वो कीजिए, और ख़ास तौर से दो रूम का जो चल रहा, डबल बेडरूम का नहीं तो नहीं, पहले के जैसा सिंगल बेडरूम का ये मजदूरों को दिए, उनके बीवी बच्चे सब यहाँ पर जो किराए के घरों में है, किराए बहुत जो ज़्यादा हो गए, उनके लिए भी ये मजदूर अड्डों के ऊपर ख़ास तौर से आके मजदूरों के लिए राहत का काम करे, उनके इंश्योरेंस का जो भी हो सकता, ये हुकूमत से अपील है, AITUC की तरफ से अपील है, हम सब कमेटी की तरफ से अपील है, और इसके अंदर जो है हम MLA कौसर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका भी यहाँ टाटा जमाने में काफ़ी अच्छा ताउन रहा, और आगे चल के भी लेबरों के मामले में जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, अच्छा बुरा जो भी, हर चीज़ से ताउन करेंगे, और कमेटी को भी ताउन करेंगे।
हम ये उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह उनकी कमेटी को भी जो हम पूरे सारी एमएलए साहब और उनके सारी कमेटी को जो है शुक्रिया अदा करते हैं AIUT की तरफ से और यहाँ के एरिया की तरफ से, एरिया के लीडरों की तरफ से, और इंशाल्लाह आगे जो है ऐसी तआवुन करते रहने की उम्मीद रखते हैं। ये बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद। ఈరోజు టోలీ చౌక్ అడ్డ పైన భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యల పైన మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయో దానిపైన మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్లకు ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి ఐడి కార్డు తీసుకోవాలా, భవన నిర్మాణ కార్మికుల కార్డులు తీసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యల పైన నిరంతరం మీతో పాటు ఉంటామని ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ దబానా నా భూలే తాకి హర్ ఖబర్ ఆప్ తక్ పహుంచే.